अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान। और मैं हूं किरण रिसवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौमी असेंबली का ऐवान आज फिर बन गया मछली बाजार। हुकूमती अरकान ने कार्रवाई चलने ना दी। शहबाज शरीफ 3 रोज से जारी तकरीर आज भी मुकम्मल ना कर सके। स्पीकर असद कैसर बेबस नजर आए। हुल्लड़बाजी में अपोजिशन की जानिब से फेंकी गई बोतल हुकूमती रुकन अकरम चीमा को लगी। स्पीकर ने साफ कह दिया ऐवान ऐसे नहीं चल सकता। कौमी असेंबली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको हाउस से निकालो। ये किसने मारा है? इस तरह नहीं होता। देखे ये भी कोई तरीका नहीं है। जिसने कहा है उसको मैं फेंक करता हूँ। बजट पर बहस के आगाज का तीसरा दिन, लेकिन कहानी वही पुरानी। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूँ। 20 मिनट के लिए मैं जाऊँ तो सस्पेंड करता हूँ। 20 मिनट का वक्फा। हाउस एडजर्न। मैं हाउस को उस वक्त के लिए एडजर्न करता हूँ जब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कल तक एडजर्न करता हूँ इसको। कौमी असेंबली के स्पीकर असद कैसर मुकम्मल नाकाम। अगर आप इतने बेबस हैं अफसोस है। हिदायात, दरख्वास्त, अहकामात और यकीन दिहानियां किसी काम ना आई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अधूरी तकरीर शुरू ही की तो हुकूमती अरकान ने नारे लगाना शुरू कर दिए, जिस पर अपोजिशन अरकान ने भी जुमलेबाजी शुरू कर दी। आप इस तूफान बदतमीजी को रोक दे जो इमरान खान नियाजी के हुक्म पर हुआ ना करे, और आपका ये फर्ज था। गर्मा गर्मी बढ़ी और फिर बोतल चल पड़ी। अपोजिशन अरकान ने सैनिटाइजर की बोतल हुकूमती अरकान की जानिब फेंकी, जो हुकूमती रुकन अकरम चीमा को जा लगी। ये किसने फेंका भाई? ये किसने मारा है? जिसने मारा है उसको हाउस से निकालो। ये किसने मारा है? बेबस स्पीकर से ऐवान न संभला तो इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया। मैं इस हाउस को तब तक नहीं चलाऊंगा जब गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों मिलके कहते मैं कल तक एडजर्न करता हूँ इसको। और यूं 3 दिन बाद भी शहबाज शरीफ अपनी तकरीर मुकम्मल ना कर सके। स्पीकर की हिदायत पर ऐवान का माहौल ठीक रखने के लिए हुकूमती टीम तो बन गई, लेकिन अपोजिशन ने कमेटी के लिए नाम देने से माजरत कर ली। कहा मुशावरत के बाद नाम दिए जाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम और स्पीकर को आड़े हाथों ले लिया। कौमी असेंबली में कहा कल पार्लियामेंट की तारीख का स्याह तरीन दिन था। कल इमरान खान नियाजी के हुक्म पर जो गालम गलोज बदजुबानी की गई, स्पीकर का फर्ज था कि इस तूफान बदतमीजी को रोक दे। कल को कायदे अवान आए तो आप मुझसे कोई तवक्को न रखे। कल का दिन हमारी पार्लियामान की तारीख में इट वॉज अ ब्लैक डे। इमरान खान नियाजी के हुक्म पर जो यहाँ पर गाली गलोच की गई और जो रवायात की धज्जियाँ उड़ाई गई और जो बदजुबानी की गई, और आपका ये फर्ज था आप इस तूफान बदतमीजी को रोक दे जो इमरान खान नियाजी के हुक्म पर हुआ, इस ऐवान के तकद्दस को हर सूरत बरकरार रखते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। और जनाब स्पीकर अब भी वही धींगा मुश्ती जारी है। कल को अगर कायदे ऐवान आए और फिर ऑपोजिशन ने उस हवाले से उस बात का मुजाहरा ना किया जिसका मैं और आप जिसकी तोक्को करते हैं, तो फिर मुझसे आप बेना ना करें जनाब स्पीकर। कौमी असेंबली इजलास में पाबंदी के बावजूद नून लीग के शेख रोहेल और पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह जबरदस्ती ऐवान में पहुंच गए। स्पीकर असद कैसर से टेलीफोनिक राबते में शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने ऐवान का माहौल खुशगवार रखने की यकीन दहानी करवाई। कौमी असेंबली इजलास में 7 हुकूमती और अपोजिशन अराकीन जिनमें अली नवाज, मजीद खान, फहीम खान, शेख रोहेल, अली गौहर, चौधरी हामिद और आगर रफी पर गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करने पर ताहुक में सानी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन नून लीगी रहनुमा रोहेल असगर,
पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह साजेंट एट आर्म्स के रोकने के बावजूद ऐवान में आ गए। जब उन्हें बाहर जाने को कहा गया तो मुर्तजा जावेद अब्बासी अरकान के आगे दीवार बन गए। कौमी असम्बली के इजलास से कबल स्पीकर असद कैसर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता करके गुज़िश्ता रोज के नाखुशगवार वाक़े पर इजहार अफसोस किया। कहा, ऐवान के माहौल को खुशगवार रखना हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। अपोजिशन के दोनों रहनुमाओं ने स्पीकर को अपने तावुन की यकीनदहानी कराई। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमती वुजरा का रवैया सब ने देख लिया, ऐवान में होने वाले वाकये से जग हसाई हुई। बिलावल भुट्टो बोले, शहबाज शरीफ के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया उससे वुजरा की क्या इज्जत रह गई। मुश्तरका अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत लिखकर स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा गया कि हमलों पर कार्रवाई या फैसले तक अपोजिशन आप पर एतमाद नहीं रखती। खत पर मियां शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना असद महमूद के दस्तखत हैं। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन लीडर पर हमला किया गया, स्पीकर मेंबरान का तहफ्फुज़ करने में नाकाम रहे। बजट पर तकरीर के दौरान बजट कॉपियां फाड़कर अपोजिशन लीडर की जानिब फेंकी गईं। लीडर ऑफ द हाउस इस मामले में जिम्मेदार हैं। 7 एमएनएस पर पाबंदी लगाने का फैसला यकतरफा है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फारूक हबीब का कहना है कि मुस्तबिकदून के अराकीन ने मरियम नवाज के कहने पर पार्लियामेंट में हंगामा किया। मरियम नवाज नहीं चाहती थी कि शहबाज शरीफ तकरीर करे। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को हिदायत जारी की। पीछे से मरियम सफदर ने शाहिद खाकान अब्बासी को हिदायत जारी की। वो वीडियो भी आ गई है जब वो कानों में आगे खुसर फुसर कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी। जाकर आप अराकीन असम्बली को, जो इनके अपोजिशन के पीएमएलएन के है, न सिर्फ हुल्लड़बाजी को करवाएं बल्कि हमला करवाएं। मरियम साहबा, आपको चाचा की तकरीर इतनी नहीं पसंद थी तो अपने लोगों के जरिए हुल्लड़बाजियां करवाकर और हमले करवाकर आपने ये काम किया। आपने शहबाज शरीफ की तकरीर अगर मरियम सफदर ग्रुप नहीं सुनना चाहता था तो बाहर चला जाता। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में जमहूरियत और पार्लियामेंट पर हमला किया गया। अगर इलेक्शन चोरी ना किया जाता तो किताबें मारने और गालियां देने वाले असम्बली तक ना पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि गारंटी देता हूं किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कल जो कुछ हुआ इसका सिर्फ फायदा हासिल करने वाले जो लोग हैं वो हैं जो मुल्क में ये आपको बताएंगे कि ये लोग पार्लियामेंट निजाम के काबिल नहीं है। ये गालियां निकालते हैं, ये किताबें मारते हैं। ये किताबें मारने वाले, गालियां देने वाले बहुत थोड़े से लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके यहां पहुंचाया गया था। तो ये एक साजिश है जमहूरियत के खिलाफ, पार्लियामेंट निजाम के खिलाफ। लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि स्पीकर साहब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। वो कार्रवाई करेंगे अगर की कभी तो उन चंद बेगुनाह मेंबरान के खिलाफ करेंगे जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। पीटीआई रहनुमा मलिका बुखारी कहती हैं कि मुस्तबिक नून गुंडों की जमात बन चुकी है। गैर इखलाकी रवैया अख्तियार करना नून लीग की रिवायत है। उनकी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और मॉडल टाउन में निहत्ती खवातीन पर गोलियां चलाई। मेरी जाती तौर पर तजलील हुई, तजहीक भी हुई और मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हैरानी नहीं हुई क्योंकि हम जानते हैं कि आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आला अदालत के ऊपर अटैक किया। आप उस पार्टी के मेंबर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मॉडल टाउन के अंदर निहत्ती हमला खवातीन के ऊपर अटैक किया। जो खवातीन 50% आबादी की नुमाइंदगी करती हैं वो भी महफूज नहीं है। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पुलिस का काम कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना है। जिस मुआशरे में अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। मुल्क की बदकिस्मती है आज हम आगे नहीं बढ़ सके, कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वजीर आजम ने इस्लामाबाद पुलिस के लीगल स्क्वाड का इफ्तिताह किया। पुलिस का काम है कि जो कानून है उसको इन्फोर्स किया जाए। जिस मुआशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। हमारे मुल्क की बदकिस्मती है अगर आज हम आगे नहीं बढ़ सके। ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन।
अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। जो कमजोर हैं उनके लिए रहम रखना है, जो ताकतवर है और कानून तोड़ता है किसी किस्म की रियायत उसके लिए नहीं कर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मुराद अली शाह ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में विफाक को निशाने पर रख लिया, कहा विफाक पैसे नहीं दे रहा जिसकी वजह से खसारे का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि दीगर सूबे भी सिंध की तकलीद करें और मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 25,000 रुपए मुकर्रर करें। वजीर आला सिंध के पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में विफाक पर तनकीद, कहा बजट में 25 अरब से जायद का खसारा है। विफाक पर 147 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं जो नहीं लगता अब मिलेंगे। अगर बहरिया टाउन की रकम भी सूबे को मिल जाए तो खसारा खत्म हो सकता है। जो नाइंसाफी मैं कुछ दिन पहले भी आपको पता चला था सिंध के साथ हुई है कि जो सिंध के पैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोके हुए बहरिया के हवाले से, वो भी इस डेफिसिट को पूरा करने में, बल्कि इंशाल्लाह ताला वो आएंगे तो जो हमारे प्लान है पूरे सिंध के लिए, जो कि अदरवाइज हम कम रिसोर्सेज की वजह से पूरे नहीं कर सके, उसमें भी हमें मदद होगी। मुराद अली शाह ने दावा किया कि निजी मुलाकात में वजीर आजम ने कहा हमसे पिम्स नहीं चलता, साथ ये भी कहा हादसा को हार्ट में और सीटी स्कैन जिला अस्पताल में होता है। वजीर आजम खुद मुझे, और ये ओपनली उन्होंने कहा, इसलिए पब्लिक में कहा है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, प्राइवेटली नहीं कहा, मीटिंग्स में पब्लिकली कहा है कि हमसे तो पिम्स नहीं चलता, हम इनके अस्पताल कैसे चलाएंगे। एक्सीडेंट होता है कोहाट में, सिटी स्कैन आप जेपीएमसी में कराने आते हैं। वजीर आला सिंह ने कहा कि हर बात पर तंकीद करने वालों के पास खुद कोरोना वैक्सीन नहीं और हमें खरीदने भी नहीं देते। कभी पानी चुराने का इल्जाम पंजाब पर नहीं लगाया बल्कि अरसा के खिलाफ आवाज उठाई। मुराद अली शाह ने दीगर सूबों से भी मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए करने का मुतालबा किया। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में आइंदा माली साल का बजट पेश न हो सका, काबीना ने फाइनेंस बिल की मंजूरी से इनकार करते हुए विफाक की जानिब से आजाद कश्मीर के तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी और इंतखाबी मामलात में मदाखलत का इल्जाम लगाया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की सरबराही में मुनक्किदा काबीना का इजलास किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुबैना फॉरेन फंडिंग के तहकीकात के मामले पर पीटीआई ने दोनों जमातों के पार्टी अकाउंट्स तक रसाई मांग ली। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की, मौकफ अख्तियार किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के हमराह दोनों जमातों के बैंक दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दी जाए। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।